आदाब नाज़रीन, हज हाउस से पेश है एक ये रिपोर्ट। आज़मीन हज के काफिलों का सिलसिला अभी जारी है। आज़मीन मदीने मुनव्वरा के लिए तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से रवाना हो रहे हैं, जिसके लिए इंतजाम किए गए हैं और सुबह शाम फ़्लाइट्स जारी हैं। बरदे जुमा भी हाजियों के फ़्लाइट्स जारी रहे और पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। आज़मीन को रवाना करने के लिए उनके मुतालिकीन की जानिब से काफ़ी लोग हज हाउस पहुँच कर उन्हें जो है अलविदा कर रहे थे, जिसके लिए पुलिस ने काफ़ी तरीक़े से बंदोबस्त किया हुआ था कि कोई बद इंतज़ामी ना पैदा हो और आम वखास के लिए जो है अंदर दाखिले की इजाज़त कल दी जा रही थी। इससे पहले सिर्फ आज़मीन हज और जिनके पास वारंटर पास है उन्हें दाखिला दिया जा रहा था, लेकिन कल जो है मुतालिकीन और उनके अफराद ख़ानदान को ख़ास तौर पर अंदर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात यह रही कि हज इलेक्शन होने के बाद भी, इलेक्शन के इंतजाम ख़त्म होने के बाद भी चेयरमैन हज कमेटी यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए हैं, जबकि दूसरे चेयरमैन जो है अपने ऑफिस पहुँचने की इतलात है। लेकिन हज कमेटी के चेयरमैन जो है शुरू दिन से यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं और ये बड़ी काफ़ी जो है सोचने समझने की बात है कि हज कमेटी के जैसे ज़िम्मेदार चेयरमैन जो अपने ओहदे पर है और उन्हें इस मखसूस ख़ास खिदमत के लिए रखा गया है, वो हाजियों को अलविदा कहने या फिर इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए कहीं भी हज कमेटी में मौजूद नहीं रहे। ये आप देख सकते हैं पुलिस का माकूल बंदोबस्त है, ये हज कमेटी का कैंप है और हम यहाँ से आपको रास्ता रिपोर्ट पेश कर रहे थे धरबाद एक्सप्रेस पे। ये रिपोर्ट का मुशाहदा कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।